दोस्तों यहाँ पर आप आइए, अपना प्लॉट लीजिए, आसान किस्तों में अपना घर बनाइए। दोस्तों जड़ से मकान देखिए, इस तरीके से सुंदर सा। अभी यहाँ पे 900 कंपनियां जी, 900 मल्टीनेशनल कंपनियां आने वाली हैं। अच्छा, जाम फ्री और इसमें फ्री एरिया है। कोई बीमार हो तो कम में एक महीना रह के जाए तो बढ़िया हो। अच्छा, बिजली पानी सुविधा कैसी है? ओके, रिपोर्ट है। बढ़िया, खुला एरिया है, सांस लेने में अच्छा लगता है। दोस्तों कुछ जमीनें बहुत लक्की होती है जहाँ दोस्तों बिल्कुल अच्छे लोग फलते हैं। दोस्तों जमीन ऐसे ही है। अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छी जगह लिया है। 100 गज 200 गज और लेंगे। अच्छा, आपने ही प्लॉट क्यों लिया, बताओ, सच बताओ ना, क्या कारण है? दोस्तों देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर आके प्लॉट लेते हैं। दोस्तों दिल्ली अंतर के लोग भी। दोस्तों थैंक यू गॉड का और थैंक यू दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारी पिछली हर वीडियो को, स्पेशली प्लॉट की वीडियो को। दोस्तों इसीलिए आपका दोस्तों लेके मैं ऐसी कंपनी दोस्तों जिसने की थी रजिस्ट्रेशन देना शुरू पहली बार, दोस्तों जिसने बदला है माहौल दोस्तों इस इंडस्ट्री का, दोस्तों वो कंपनी है श्रीकांत कमा रियल एस्टेट। ठीक है दोस्तों, इनका ऑफिस है काउंटर रिसेप्शन का, मैडम बैठती है, क्लाइंट आके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं इनका पूरा दोस्तों सेटअप कैसा है। आइए दोस्तों, ये है इनका अंदर का एरिया, बैठते हैं इमरान सर। और दोस्तों ये है अपना केबिन डायरेक्टर का और ये अपना केबिन है मैडम का, शायद क्लाइंट बैठे हुए करते हैं बात। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम कैसे हैं आप? बस सर बहुत बढ़िया। मैम कौन बैठे हैं, क्लाइंट है? हाँ जी, एक क्लाइंट। तो सही करते हैं बात क्लाइंट से, बात जरा मैम बात कर सकते हैं जरा, ये लीजिए। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम क्या है? सरिता वर्मा जी। आप यहाँ किस लिए आए हैं आज? आज हम रजिस्ट्री का पेपर लेने आए हैं अपना। इट मींस प्लॉट ले लिया है आपने? हाँ, प्लॉट हमने ले लिया है। ठीक है मैम, प्लॉट आपने किस्तों में लिया कैश में लिया? किस्तों में लिया है हमने। ठीक है, आपने क्या सोच के यहाँ प्लॉट लिया है कि यहीं आपको सही लगा? देखिए सबसे अच्छी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ से हमने प्लॉट लिया है और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हार्टली बहुत अच्छे हैं। ओके। और सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये है कि कोई भी यहाँ पर धांधली नहीं है, जो कहते हैं वो लोग करते हैं, क्लाइंट जिस चीज में खुश रहते हैं वही काम करते हैं। लाइट भी है वहाँ पे। ओके। पानी कैसा? पानी भी है, पानी अच्छा है, मैं पानी पीकर आई हूँ। ओके। और हमने अपना प्लॉटिंग भी करा लिया है और घर भी बनाने का सोच रहे हैं। नाइस। नेक्स्ट और लेने का भी सोच रहे हैं। अच्छा, ताकि मैं वहाँ पर एक अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकूँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इंग्लिश स्पोकन, ताकि जो भी लोग वहाँ रहते हैं उन्हें कोई कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, वो आराम से अपना इजिली जो है हर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। सो आर यू हैप्पी देयर? यस आई एम हैप्पी। ओके फाइन फाइन, थैंक यू, आपने टाइम दिया मैम। हम करते हैं बात सीधा, हम एक बार जरा सर से आइए जरा, जो है डायरेक्टर साहब कंपनी के सर हैं, आइए करते हैं बात किशन सर से। आइए आइए दोस्तों, सर सर बिजी हैं जरा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर बताइए सर, कंपनी का पूरा एड्रेस क्या हुआ? सर कंपनी जो है आपके बिल्कुल बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स के पास आती है। ठीक है सर। मतलब दिल्ली के ऐसे कोने पर जहाँ पे आपको मेट्रो की सुविधा भी मिलने वाली है, बस स्टैंड मिलने वाला है। ठीक है सर, मेट्रो कौन सा पड़ेगा? सर बदरपुर मेट्रो स्टेशन पड़ता है यहाँ पे। फाइन सर। सर बताइए, आपकी कंपनी ने शुरू की थी मुहिम, हाँ वो है रजिस्ट्री पहले देने की। सर सही बात। सर आज क्या उसका असर है? सर अगर हमारी कंपनी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले यूट्यूब पे आना हमारी कंपनी ने शुरुआत की थी आज से लगभग 5 साल पहले। जी सर। और सबसे पहले रजिस्ट्री प्रोवाइड कराना भी हमारी कंपनी ने शुरू किया था, जिसको देखा देख आज सभी कंपनियां रजिस्ट्रेशन देने लगी हैं और कस्टमर का इसमें बेनिफिट भी होने लगा है। जी सर। ये मुहिम काफी अच्छी रही और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए स्कीम लाते हैं और वो बताते भी रहे हैं लोग। इट मीन साफ बात है आपने फ्रॉड खत्म कर दिया। बिल्कुल सर, काफी हद तक फ्रॉड खत्म हो। जी सर। सो सर बताइए मुझे कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी? हमारी कंपनी होगी लगभग लगभग 40 ईयर से काम कर रही है। ओह माय गॉड। सो सर बताएं कि आज सर सर कहाँ लोकेशन होने वाली है हमारी? सर आज की लोकेशन है जो हमारी पलवल में होने वाली है, बंचाव की, बंचाव और सोलह का, दो रेलवे स्टेशन होने वाले हैं, बिल्कुल के नियर बाय में साइट दिखाने वाला हूँ। वाओ। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं दोस्तों को जो सुंदर सा घर है और प्लॉट है उसको कैसा होने वाला है। आइए जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको मिलता है सीधा बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आपको बस मिलती है साइट के लिए, आपको मिलता है पलवल का एरिया। आगे बढ़ते हैं तो जो बहुत ही फेमस जगह हो चुकी है दिल्ली के बिल्कुल पास हटावा इलाका है दोस्तों, यहाँ सब कुछ मिलता है फैसिलिटीज़। आगे बढ़ते हैं आपको मिलता है इंडिया का बहुत ही बड़ा कनेक्टिविटी, वो है KMP एक्सप्रेसवे जो साइड के बहुत ही पास पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको मिलता है मरौली का एरिया, ये एक रकबा है मरौली का, यहाँ आपको मिलता है हमारा साइड का एरिया, यहाँ आपको मिलता है बस स्टैंड मुंडकटी का, देखिए लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा बस स्टैंड, थाना
और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है हमारे साइट के लिए बिल्कुल हॉस्पिटल पास में ही और नाम है अमन हॉस्पिटल। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यही एरिया है जहाँ से हमको लेफ्ट लेना है। इसी लेफ्ट लेते ही देखिए सामने पड़ता है हॉस्पिटल, ये देखिए यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, हम पहुँच जाएंगे अपनी साइट के पास में ही। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट आपको मिलता है स्टेशन सोलाखा, यह है सोलाखा, और आपको मिलेगा बगल में बंचारी स्टेशन। दोस्तों इन दोनों के पास में ही हमारी पड़ती है साइट, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस भी है, आप घूमते घामते अपना आराम से ट्रेन पकड़ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है बसावट का एरिया, दुकानें मेन है केमिस्ट शॉप दवा के लिए, बहुत ही पास पड़ता है आपके। देखिए आपको आगे मिलता है स्कूल, बच्चे आपको मिल जाएंगे खेलते कूदते, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस आपका पड़ता है घर से निकलते ही, आपको दो मिनट का रास्ता पड़ेगा स्कूल के लिए। आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी या कमी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेन है बच्चे जो भारत का भविष्य बनते हैं, आप उनका दोस्तों सपोर्ट करिए। जी सर, जो हम खड़े हैं फिलहाल में पलवल में, ओके, पलवल में बंचारी और सोलह का रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसके नियर बाय में साइट पड़ती है आपकी, मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर होने वाली। जी सर, और ये जो आता है रकबा आपका मरौली गाँव का रकबा आता है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी कैसी है, फ्री होल्ड है, आर जोन में से कैसी प्रॉपर्टी है? सर ये प्रॉपर्टी आपकी आर जोन में आती है, रेजिडेंशियल जोन में, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे भी हो चुका है, आबादी घोषित हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ना आपको सुविधाएं मिल रही है, मतलब जैसे आपको मिलती है कॉलोनियों में मिलती है, जैसे डॉक्टर की मिलती है, राशन कार्ड की मिलती है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हो चुकी है। और आपने सर यहाँ जितने भी आपने पीछे इंक्वायरी की होगी, क्लाइंटों से इंक्वायरी की होगी, तो पॉजिटिव रिजल्ट रहा होगा हमेशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सबने सर सपोर्ट किया है, तारीफ करी है सर अपनी कंपनी की, जिस तरह आप लोगों ने उनकी हेल्प करी है, आज जो लोग पहले किराए पर थे अपने घर में रह रहे हैं सर, ये अच्छा आपने काम करा वाकई में। मैं तो सर आज भी ये कहना चाहूंगा, जो लोग किराए पे हैं, जो परेशान हैं, जो मकान नहीं बना पा रहे हैं और लेने के इच्छुक हैं, वो बिल्कुल कांटेक्ट करें, पहले अपना मकान बनाए उसके बाद पेमेंट देना शुरू करें मुझे। जी सर, मैंने देखा है सर, मैं जब यहाँ आता हूँ आपका मकान बनता रहता है हमेशा। बिल्कुल सर, सर एक तो क्या है ना, डेवलप कॉलोनी आर्ट जोन एरिया है, कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं दिखा रहा हूँ कुछ, कल को आपको डेमोलिशन का डर लगे। यहाँ जो दिखाया है हमेशा, जी सर, जिस लोकेशन पे खड़ा होता हूँ वहाँ प्लॉट दिखाता हूँ, वहाँ पे प्लॉट बनते हुए दिखते हैं, रोड का काम और डेवलपमेंट का काम अब तो होते हुए दिखता है, मतलब कोई भी हवाई बातें होती नहीं यहाँ पे। अच्छा सर बताइए मुझे कि यहाँ पर कम से कम प्लॉट साइज क्या अवेलेबल है? सर हमारे पास जो साइज है वो 30 गज से अवेलेबल रहता है, मिनिमम साइज 30 गज का, आपका 9x30 का अच्छा साइज मिल जाता है। यानी कि आपने फुल प्लान कर रखा है, जिसको भी है घर चाहिए, जीवन का पहला बिल्कुल आशियाना बच्चों के लिए अपने लिए वो ले सकता है। सर बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि सर अब अगर आज आपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया तो कल फ्यूचर में बच्चे ही आपसे कहेंगे हमारे पापा हमारे लिए प्लॉट तक नहीं छोड़ के गए। जी सर ये बात तो ठीक बात, उनको क्यों रेंट पे रखना, कम से उनके लिए एक प्लॉट तो दे जाएं। जी सर ये बताइए मुझे, यहाँ पर किसी को साइट विजिट करनी हो तो कैसे पॉसिबल है? सर हमारी जो साइट विजिट है वो बिल्कुल फ्री है, बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स के पास ऑफिस है दिल्ली में ही, आप बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स पे आके कॉल करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साइट विजिट कराई जाएगी। मेरा क्वेश्चन है, ये रोड सर आ रहा है कहाँ से, रोड आ रहा है कहाँ जा रहा है? सर ये जो रोड है आपका, ये भी आपका नेशनल हाईवे, आपका दिल्ली टू आगरा हाईवे से कनेक्ट है और सीधा जेवर एयरपोर्ट मिलता है आपका। ओके, इट मीन्स कि बेस्ट लोकेशन लाई है आप। सर ये जो लोकेशन है ना सर, ऐसे ढूंढने से भी नहीं मिलती, और ऐसी प्राइम लोकेशन पे जहाँ लोग रह रहे हो, वाटर सप्लाई के पानी अवेलेबल हो, लाइट 24 घंटे के, रोड बने हुए मिले, और वो भी रीजनेबल रेट पे, तो सर ऐसी तो पॉसिबल ही नहीं है कोई और लाके दे। और दोस्तों देखिए कितने मकान है बने हुए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों बहुत सारी बाउंड्रिया हो रखी है। ये सर जो मकान बनाया था बड़ा सा 40, हाँ जी सर, ये किसने बनाया है? सर ये हमारे NRI क्लाइंट है जी, USA में 28 साल से सेटल्ड है वहाँ पे, उनका उनका मकान है ये ब्यूटीफुल साइट पे। हाँ जी सर, कब किसी को प्लॉट बुक करना है बिल्कुल, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? सर वैसे तो 11,000 रुपए का अमाउंट रखा था हमने जी, पर सर लोगों पे 11,000 का अमाउंट भी ना हो जी तो लोगों की इच्छा है 2100 से 1100 से आप प्लॉट बुक कर सकते हो। ओके सर, सर यहाँ पर जो कैश में और सर EMI में कैसे कैसे प्रोसेस है? सर EMI में आपको मिलता है 2 साल का टाइम, ठीक है सर, उसमें रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, कैश में तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। इसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, ब्याज तो नहीं है? सर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जी सर, जो आपको प्लॉट का अमाउंट बताया जाएगा वही अमाउंट आपको 2 साल में देना है। ब्यूटीफुल साइट पे जो सर पड़ती है बिल्कुल हाईवे पे, हाँ जी, जो सर पड़ती है बसावट के अंदर, हाँ जी सर, रेट आपने क्या निकाला है? सर जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ अभी,
मतलब जो हमें दिखा रहा हूँ और जो वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो मकान बने इसी बीच इसी लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका रेट मिलता है 3500 रुपए गज से शुरू हो जाता है आपका, और हमारा 5000 रुपए गज तक का रेट जाता है। और इसके बगल में ही हमारी न्यू साइट लॉन्च होने वाली है जनवरी में जी सर, और जनवरी 26 जनवरी तक ऑफर है, उसमें हमारा प्राइस रहेगा 2000 से शुरू। ओह माय गॉड, बिल्कुल सर, यानी मतलब 1 लाख में प्लॉट मिलने वाला है 50 गज का। वाओ, इट मींस। और इस लोकेशन पे भी लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख में आपका और 1,75,000 में आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। जी जी सर, वैसे देखा है सर मैंने कि आपने बहुत लोगों का सपोर्ट करा जिंदगी में। बिल्कुल सर, इसलिए आपने रेट कम रखा। आगे भी करना है, आगे भी करना है, इसीलिए रेट रीजनेबल रख रहा हूँ मैं, ताकि लोग बना सके। पता है लोगों का ना प्यार, हमें ना उत्साह मिलता है लोगों की वजह से जी। लोग भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बसते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है नहीं कि सर अपनी जेबें भरनी चाहिए हमें। जी जी जी, फिर तो लगता है कि हाँ सर लोगों के लिए काम ही करना है हमें। ये अच्छा है कि आपका दिल सर अच्छा है कि आप लोगों के लिए सोचते हैं, बिल्कुल, कि चाहते हैं घर बन जाए उनका। हाँ जी सर। सर आपने कहा था कि गवर्नमेंट सर्वे सर हो चुका है, प्रूफ क्या उसका सर? सर ये रहा आपका प्रूफ, आपने हर मकान में दिल्ली में भी देखा होगा यहाँ पे एक नंबर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ आपकी वोटिंग प्रक्रिया के लिए आपको देखा जाता है जी। आपकी वोटिंग लिस्ट में नाम आने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, और आपको जो सुविधाएं होती है सरकारी, मतलब डॉक्टर की फैसिलिटीज वैसे भी होती है, तो वो मिलने लगी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है कि यहाँ पे NOC होगी, ये होगी, ये आपका विद प्रूफ है कि आबादी है, आर जोन एरिया है। आप कल मकान बनाओ, कोई भी डर नहीं, बेफिक्र होके, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पानी आपका अवेलेबल हो चुका है, लाइट अवेलेबल हो चुकी है, पास में मार्केट बनने लगी है जी। तो लोकेशन आप देख रहे हो, मकान बनने पे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वाओ सर, देखिए मैंने पूछा सबसे, यहाँ पे स्कूल भी है सर, मार्केट भी है, बसावट भी है सर, दिखता है सर। सर मेरा क्वेश्चन है भाई बहन के लिए जो आएंगे रहने के लिए आपके, बिहार से, बंगाल से, मद्रास से, बिल्कुल सर, उनके लिए सर रोजगार के आसपास आसार क्या है? सर रोजगार की तो मैं बता दूं, यहाँ पे 900 कंपनियां जी, 900 मल्टीनेशनल कंपनियां आने वाली हैं जी। एक तो बिल्कुल पास में आपका यहाँ पे JBM कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक बस की कंपनी है, लगभग वो आपकी 50-60 एकड़ में बनी हुई है, जहाँ 9000 वैकेंसी अभी भी अवेलेबल है। ओके, तो रोजगार की तो कोई भी कमी होने वाली नहीं है जी सर। हब है सर, आपका इंडस्ट्रियल एरिया आने वाला है, पास में आपका यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है जी सर। तो ऐसी लोकेशन जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी पास में है, रेलवे स्टेशन भी पास में है, बस स्टैंड पास में है, और आपका हाईवे से कनेक्टिविटी है जी, बिल्कुल। तो सर ऐसी लोकेशन पे कौन नहीं लेना चाहेगा? वाकई में सर। सर क्वेश्चन मेरा और भी है, किसी को मान लीजिए MBA करनी हो, BA करनी हो, आपका कोई यूनिवर्सिटी है? सर बहुत सारी जी सर, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके आपका, आपने अगर रास्ते में देखो, जैसे हम साइड पर आ रहे थे तो मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर आपने NGF इंजीनियरिंग कॉलेज देखा होगा, DPS स्कूल देखा होगा, MVN यूनिवर्सिटी भी है, गांधी इंस्टीट्यूट भी है, और भी अनगिनत, मतलब आधों के तो नाम मैं भी भूल जाऊंगा, मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटियां और प्राइवेट स्कूल सारे ही देखने को मिलते हैं आपको सर। बैंकट हॉल से लेकर शादी वगैरह, मतलब सारी ही फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है जी। मतलब कोई क्लाइंट ये कहे कि मुझे ये फैसिलिटीज नहीं मिली, तो मैं कह रहा हूँ प्लॉट फ्री देने का हकदार हूँ। वाकई में सर, दोस्तों बहुत ही अच्छा साइट आपको लेकर आया सर इस बार लोकेशन सर, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों। आप यहाँ पर आइए, अपना प्लॉट लीजिए दोस्तों, जैसे मकान बनाइए दोस्तों, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल साइट आपको मिल रही है बाय किशन सर। और दोस्तों देखिए यहाँ पर सब कुछ, बसावट, दुकान, हाईवे, आपको सब मिलेगा दोस्तों साइट के पास में ही। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया किशन सर। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू फॉर योर न्यू स्वीट होम बाय श्री कालका रियल एस्टेट।